बिग सर का फेमस एक ब्रिज है, उसका व्यू बहुत अच्छा लगता है और वो व्यू कुछ ऐसा लगता है। तो फाइनली बिग सर का प्लान हो गया है। आज बहुत दूर है यहाँ से, बहुत तो क्या मतलब 2.5 घंटे लगते हैं, 100 माइल्स है, 100 से ज्यादा है शायद। आज हमारे साथ प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी है। यस, नाउ वी आर कैरिंग गुड कैमरास हियर, बट ब्लॉग तो जो आईफोन नए वाले आईफोन में बनने वाला है, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। लास्ट टाइम हम जो थे 17 माइल तक गए थे और फिर उसके आगे नहीं गए बिग सर के लिए, क्योंकि वो और आगे था उसके। अभी बिग सर जाने का प्लान है, आज शाम तक आएंगे, रात तक। क्रैश हुआ है कि क्या हो रहा है? ड्रिल कर रहे, ड्रिल। सब ये एयर शो देख रहे हैं इसलिए ट्रैफिक स्लो हो गया, पूरा रेड हो रहा है यहाँ पे। 1-2 माइल का ऐसे ही मेमोरियल डे की तैयारी हो रही है इनकी, कुछ करतबबाजी हो रही है। जगह जगह ट्रैफिक, क्रैश कुछ ना कुछ था। 2 घंटे तो यहाँ आने में लग गए, आधे ही आए अभी तो। भूख लगी है तो पिज़्ज़ा खाने का सोचा है यहाँ आके। सैटरडे को निकलना सही नहीं है, लेकिन पार्किंग देखो इनकी कुछ 10,000 कार होंगी यहाँ पे, उधर से चलेंगे। बहुत सालों बाद टॉप गन मूवी आई है, देखना तो है, लेकिन यहाँ तो टिकट ही $100 का टिकट रहता है मूवीज़ का, तो यहाँ से पिज़्ज़ा लिया है, अब निकलता है। यहाँ तो $100 नहीं, कुछ $12 का टिकट है मूवी का। देखते हैं कभी न्यूयॉर्क में, देखते हैं कोई मूवी। टॉप गन आई है, 1-2 और मूवी आई है यहाँ पे। बिग सर चालू होने ही वाला है और पूरा कोस्टल रोड चालू हो रहा है और पीछे पूरा सी है, पैसिफिक ओशियन। कार पीछे खड़ी करके और सी के पास में जा रहे हैं वॉक करते हुए। बिग सर स्टार्ट हुआ है यहाँ से। Windy. और हमें देखते हुए और भी लोग आ गए हमारे पीछे यहाँ पे कांट टाइम पे, क्योंकि हमने रास्ता दिखाया दूसरों को, वो आ गए। क्या है? क्लाउड्स, पता नहीं इस जंगल में क्या है। क्लाउड्स हमेशा रहते ही हैं। लास्ट टाइम भी 17 माइल पे आए थे तो फॉग मिला था बहुत सारा। आज वैसे तो ओपन है, ऐसा लग रहा है आगे जाएंगे तो क्लाउड्स मिलेंगे वहाँ पे, पूरा वो कोस्टल के साथ साथ में वाला। तो फ्यूल स्टेशन ही कितने मस्त होते हैं, स्टॉप फॉर फ्यूल और बिल्कुल लो 70s के ज़माने का स्टोर है, जनरल स्टोर, पेट्रोल पंप भी ऐसा है इनका। मन कर रहा है एक पेट्रोल पंप डाल लूँ और रिटायरमेंट के बाद यहीं शिफ्ट हो जाऊँ। मस्त हो गया। हाँ, निकल नहीं रहा ये, कैसे निकलेगा? हाँ, गुड, आई कैन हायर यू फॉर अ जॉब। ये अंदर
इंडिया चलो, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तुम्हें। बिग सर का फेमस एक ब्रिज है, उसका व्यू बहुत अच्छा लगता है और व्यू कुछ ऐसा लगता है। कौन सा रास्ता है ये? नहीं वो चालू नहीं हुआ, नागमोड़ी रास्ता। नागमोड़ी रास्ता है क्या? नागमोड़ी नहीं, नागमोड़ी। नागमोड़ी मतलब ऐसा ऐसा ज़िगज़ैग विंडी 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 रोड। फाइनली अब कितने 3-3.5 घंटे के ड्राइव के बाद फाइफर बीच पहुँचे हैं। बिग सर का पार्ट है और दिस इज बेस्ट पार्ट टू बी। तो हर प्लेस के साथ यहाँ भी वही इशू है थोड़ा। फाइफर बीच है बहुत ब्यूटीफुल, रॉक भी अच्छी है, लेकिन वही है 3.5 घंटे आने में लग गए, दूर बहुत था। और बीच जहाँ भी रहता है सी, वो विंडी बहुत रहता है प्लेस, तो इट वाज वेरी विंडी, हवा हवाई हो गई यहाँ आती, नाक बंद हो जाती है। कैसा लगा प्लेस यार? धुआं निकल रहा है अंदर से, यूँ दिखने में सनी लग रहा होगा लेकिन जो विंड है, ठंडी ठंडी हवा बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे दिखने में पता नहीं पड़ रहा। तो इसी के साथ बिग सर का एडवेंचर खत्म होता है, घर चलेंगे गाइस। यस सर, टू मच विंड हो गया, टू मच विंड, टू मच ड्राइव, टू मच ट्रैफिक, नाक साफ कर लो तुम इसमें। व्हाई डोंट यू यूज दैट फॉर दैट? लेट्स गो होम, इट्स अ लॉन्ग ड्राइव ऑफ कितने 2.5-3 घंटे लगेंगे। से ये भी आ गया है हमारा, वहाँ पे जब नया आईफोन लिया था तो उसमें $50 का केस था इसका, सिलिकॉन केस जो आता है, तो अमेज़ॉन से ऑर्डर किया तो $10 का आया, एप्पल का नहीं है लेकिन वैसा ही कुछ है। स्क्रीन गार्ड भी आ गया और ये भी आ गया, तो यहाँ पे ऐसे चीज़ें बहुत मिलती है एप्पल की, एसेसरीज सस्ती वाली, तो वो ऑर्डर किया, वो आ गया, तो नया आईफोन में वो लगेगा। क्या क्या बन रहा है ये? कल हमने खाया था पास्ता और आज बन रहा है राजमा चावल। लेडीज आर ऑन फायर, आज दिन से ही फायर है पूनम है, बिल्कुल हर जगह। व्हाट इज दैट डायलॉग?
फ्लावर नहीं हो फायर फायर फ्लावर समझा गया